नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। धार, शुक्रवार को धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह और एसपी आदित्य प्रताप सिंह, सीईओ जिला पंचायत आशीष वरिष्ठ ने मोहन खेड़ा में बने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस मौके पर कलेक्टर ने बताया कि आचार्य श्री ऋषभ चंद सूरीश्वर महाराज साहब के आशीर्वाद से यह कोविड सेंटर सिर्फ 3 दिनों में ही तैयार हो गया है। अभी इसे 50 बेड के साथ शुरू किया जाएगा, लेकिन शीघ्र ही यहां 300 बेड का सेंटर पूर्ण क्षमता के साथ प्रारंभ किया जाएगा। मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव इस सेंटर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सरदारपुर के कोविड सेंटर के मरीजों को भी आगे चलकर यहीं शिफ्ट किया जाएगा, जिससे उनका अच्छी तरह इलाज हो सके। यहाँ 3 डॉक्टर और 15 नर्स अलग से लगाए गए हैं। मोहन खेड़ा तीर्थ में आदरणीय गुरु जी के आशीर्वाद से ये कोविड सेंटर केवल 3 दिन के रिकॉर्ड टाइम में तैयार कराया गया है और 300 मरीजों की यहाँ पे सेवा होगी। माननीय मंत्री जी लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं और आदरणीय गुरुदेव से उनकी चर्चा भी हुई है। मरीज तो अभी से आना शुरू हो जाएंगे और कल सुबह माननीय मंत्री जी की और आदरणीय गुरुदेव की उपस्थिति में ये विधिवत प्रारंभ हो जाएगा। जो भी मरीज जिनका सिचुएशन ठीक है, 90% के ऊपर है, जो घरों में है, जिनके पास जगह नहीं है, जिनको डॉक्टर के निरीक्षण की ज़रूरत है, देखभाल की ज़रूरत है, ऐसे सभी मरीजों को हम लोग यहाँ पे भर्ती करेंगे। चाहे वो कुच्छी के हों, धार के हों, बदनावर के हों, टांडा के हों, अमझेरा के हों या सरदारपुर के हों, और सरदारपुर का जो कोविड सेंटर है उसके भी मरीज यहाँ पे रहेंगे, जिससे सभी डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज हो सके। इसके अलावा हमने यहाँ के लिए 15 नर्सें, 3 डॉक्टर अलग से किए हैं। डॉक्टर जैन ने अपनी भी पूरी टीम और सीएमओ मुजाल्दा मैडम ने पूरी टीम यहाँ पे लगाई है। सीएमएचओ भी आज पूरा निरीक्षण करने के लिए आए हैं। सभी दवाओं का स्टॉक यहाँ पे पर्याप्त रहेगा। सभी बेड के लिए अलग से चद्दर आ रहे हैं। जो स्टैंड है ड्रिप के लिए, वो सब भी पहुँचा दिया गया है। जो भी दवाओं की हैवी एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता है, उसकी भी हम लोगों ने डिमांड कर लिया और 1-2 दिन में वो खरीद के यहाँ पे पहुँच जाएंगे। चूँकि यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध है और आदरणीय गुरुदेव ने जो भोजन है, जो डाइट है, उसके अनुरूप लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया है। पानी के यहाँ पे प्रबंध है, एक अच्छा वातावरण है। गाय का दूध रात में मिलेगा हल्दी के साथ। इसके अलावा योगा और बाकी फैसिलिटीज भी धीरे धीरे दी जाएंगी। भाप का भी इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे, और अगर ज़रूरत होगी काढ़ा नियंत्रित रूप में, जैसा डॉक्टर जैन सजेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा काढ़ा भी उपयोगी नहीं होता है, लेकिन जितनी ज़रूरत होगी उस अनुरूप मरीजों को यहाँ पे प्रदान की जाएगी। धार जिले से खबर समय जगत के लिए अल्ताफ खान की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।